ये स्टूडेंट का डिमांड है, स्टूडेंट का क्या डिमांड है, देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी से लोग आए हैं और इनका कहना ये है कि हमारी डिमांड पूरा किया जाए। हम बातचीत करेंगे डिमांड क्या है। JNU से आए हुए कुछ स्टूडेंट हैं, उनके साथ साथ जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी है और देश के अलग अलग स्टेट से भी लोग आए हैं। हम बातचीत करेंगे क्या इनका डिमांड है, क्या डिमांड है सर आप लोगों, क्या नाम है आपका, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप? हाँ, मेरा नाम सुमित है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से MPhil किया है और अभी भगिनी निवेदिता कॉलेज DU में एज ए गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाता हूँ। हमारा एजुकेशन को लेके ये जो आज मार्च था, इसमें कुछ प्राइमरी डिमांड्स हैं, जैसे कि GDP का 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो बैकलॉग है SC ST OBC का, उनको भरा जाना चाहिए, क्योंकि OBC का तो ज़ीरो प्रोफेसर, इस देश के इतना बड़ा देश है, इतने स्टेट है, इतनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, OBC का प्रोफेसर कोई नहीं है, एसोसिएट पे भी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो वीमेंस को लेके ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने, GSCAS जेंडर सेंसिटाइजिंग कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, और इसी तरह की और भी एजुकेशन से जुड़ी बहुत सारी डिमांड्स हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऑटोनॉमी के नाम पे यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, अब ये शिक्षा को बेच रहे हैं। 1990 का दशक था जब सरकारी संस्थानों को बदनाम किया गया, 2000 के दशक में उनको बर्बाद किया गया, और अब ये 2010 के बाद अब शिक्षा को बेचा जा रहा है। किस हिसाब से बेच रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? किस हिसाब से बेचा जा रहा है कि प्राइवेट किया जा रहा है, नए इंस्टीट्यूशन खोले ही नहीं जा रहे हैं, ऑटोनॉमी दी जा रही है, ऑटोनॉमी जो दिए गए उसमें हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी HIFA के तहत ये क्या करेंगे कि वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी, कि जो जो इंस्टीट्यूशन टॉप के हैं उनको ये HIFA के अंतर्गत लेके आएंगे और उनको ऑटोनॉमी का स्टेटस दिया जाएगा। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से? जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से हैं। क्या कहना चाहते हैं कि आप लोग स्टूडेंट का भी डिमांड लेके जंतर मंतर पे आना पड़ता है? चूँकि ये जो वर्तमान सरकार है, पिछले 5 सालों में जो भी इसने बजट दिया है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम शिक्षा पे भी जो है कि अधिक से अधिक बजट देंगे, लगातार जो है कि फंड कट किया, उसके अलावा जो है उसके लिए ऑटोनॉमस जो है कि 60 यूनिवर्सिटियों को दे दिया, और ऑटोनॉमस के थ्रू जो है जो उसका जो भार है वो लोअर मिडिल क्लास और जो है कि लोअर क्लास के ऊपर जो इसका फीस को लेकर जो बढ़ोतरी होगा उस पर जो है कि इसका सबसे बड़ा जो एक प्रभाव होगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार निजीकरण के को छोड़ पब्लिक यूनिवर्सिटियों को फंडेड करे, चाहे वो KG से लेकर PG तक की शिक्षा को समान शिक्षा के स्तर पर लाए, ये हमारा डिमांड है, चूँकि आज के मार्च का ये पहला ही डिमांड है। क्या कहना चाहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज स्टूडेंट फिर से एक बार जंतर मंतर। जी, मैं JNU से बिलोंग करती हूँ। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा लगाया जाता है, हम लोगों ने देखा है JNU में कुछ महीने पहले 8 लड़कियाँ जाके FIR फाइल किया एक प्रोफेसर के अगेंस्ट, और जब FIR फाइल हुआ और कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उसके बावजूद जो JNU एडमिनिस्ट्रेशन है उसने लगातार उस प्रोफेसर के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ऑर्डर के बावजूद उस प्रोफेसर को खुलेआम घूमने दिया जाता है हमारे कैंपस में। और जो GSCAS का एक प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, जो सेक्सुअल हरासमेंट रिड्रेसल सेल था हमारा, उसको हटा के जो इंटरनल कंप्लेनेंस कमेटी बिठाई गई है वो वाइस चांसलर के इशारे पे चलती है। वो इंटरनल कंप्लेनेंस कमेटी कंप्लेनेंट को धमकाती है कि आप कैसे आ गए, आप क्यों आके कंप्लेन कर रहे हो, आपने क्या पहना था, ऐसे मॉरल पुलिसिंग करती है। जब एक ऐसे प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करेगा, और ये बहुत साफ है, पहनावे के ऊपर सवाल करते हैं, लड़कियों के पहनाव के ऊपर सवाल करते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन है जिनमें पपेट्स बैठे हुए हैं BJP RSS के, और उनका भावधारा चिंता जो है वो संघी मेंटालिटी है कि लड़कियां रात को आप घूम नहीं सकते। ये जो पिछली बार JNU को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, तब BJP के MLA ने JNU में कॉन्डम गिनवा दिए थे। तो इस सबके चलते JNU से स्पेसिफिक हमारा ये डिमांड है कि जितने भी फेलोशिप्स हमारे बाकी है, सारे फेलोशिप्स इमीडिएटली क्लियर किए जाए। SC ST OBC का जो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो पिछले 4 साल से JNU में इस वाइस चांसलर के अंडर में हमेशा स्कटल होता आ रहा है, तो वो रिजर्वेशन कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो। हमारा जो वाइवा का जो पहले का प्रोग्रेसिव सिस्टम था, जहाँ पे डिप्रिवेशन पॉइंट्स हमको मिलते थे, वो सारा वापस लाया जाए, और JNU का जो प्रोग्रेसिव पॉलिसी हमेशा रहा है वो कंटिन्यू किया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कौन सी यूनिवर्सिटी से? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ।
जो डिमांड है इन लोगों ने तो बताया है, लेकिन इसके से हट के मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अभी जो देश का माहौल है, युवा खास करके बहुत गुस्से में है, तो युवा के लिए मैसेज क्या है कि क्योंकि खास करके जो यूनिवर्सिटी के बच्चे लड़के लड़कियाँ हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं जवानों को खोने के दुख के श्रद्धांजलि देते हुए, गुस्सा भी नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये इस देश का आप सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें कि आज देश का बहुत बड़ा छात्र का जो तबका है वो आज सड़कों पर है। दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि जहां उनके हाथों में आज किताब होनी चाहिए थी आज वो सड़कों पर हैं। सौभाग्य इसलिए क्योंकि आज जिस तरीके का शिक्षा पर हमला हो रहा है उसके प्रति लोगों में आज चेतना है और उस चेतना को दिखाने के लिए आज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य भी सौभाग्य भी है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग अगर देखें पिछले 4 सालों में शिक्षा पर जिस तरीके से हमला हुआ है वो आप ये कह सकते हैं कि सरकार ये कटौती की सरकार है। फंड में कटौती, सीट्स में कटौती, बजट में कटौती, एडमिशन जो इनटेक होता है यूनिवर्सिटी स्पेस में उसमें कटौती, तो कटौती ही कटौती हो रही है। हमें एज अ स्टूडेंट हम लोग को देखें तो कुछ फ़ायदा इस सरकार में हम लोग को मिला नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने जो क्वेश्चन करा, मेरे सवालों का करने का यही मकसद है कि बहुत सारे स्टूडेंट हो सब सड़कों पे है जो श्रद्धांजलि देने के लिए उतर है, उसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक की भी डिमांड कर रहे हैं और गुस्से में है, तो इसके लिए आप लोगों के स्टूडेंट की तरफ से क्या मैसेज है उनके लिए? देखो, सर्जिकल स्ट्राइक करना ये सब तो फिजूल की बातें हैं, ये दो सरकारों का मामला है, सरकारों को बैठ के सुलझाने की कोशिश वहाँ पे होनी चाहिए। राम मंदिर क्योंकि बन नहीं पाया, उनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का जो इशू है उसको किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए, तो हम देख रहे हैं कि हर चौराहे पर देखिए ये जो है ये इन लोगों का एक टैक्टिक्स चलता आ रहा है कि हर इलेक्शन से पहले आप कम्युनल राइट कराओ, आप नेशनलिज्म के नाम पे लोगों को भड़काओ। ये कौन सा नेशनलिज्म है जो हम लोग यहाँ पे आजकल दिल्ली में दो जैसे नारेबाजी हुई है, मेरे सामने से रैली गुजरी जहाँ पे स्लोगन लगाया गया सुअर का बच्चा पाकिस्तान, मुल्लापंथी नहीं चलेगी, जेएनयू के गद्दारों को एक धक्का और दो, ये जो टारगेटिंग हो रही है जातिवाद कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब स्टूडेंट है तो देश की जनता के लिए, इधर है तो देश की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट के हिसाब से आप उस नजरिया से बताइए। देखिए, पूरे देश के अंदर में जो जातिवाद है जिसका असर सबसे ज्यादा भारत के जो प्रगतिशील सोच है जो भारत को विकास की ओर ले जाता है उसमें पड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं वोट देते हैं जात देखकर, किराया घर में देते हैं जात देखकर, शादियां करते हैं जात में देखकर, लेकिन जब उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है तब उनको समझ में आता है कि नहीं, जातिवाद नहीं होना चाहिए। ये जो इशू आप देख रहे हैं, हमारे कॉमरेडों ने कहा इस बात को लेकर के, पश्चिम बंगाल से लेकर, मैं बेसिकली पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल का हूँ, मैं कलकत्ते से आता हूँ, बंगाल के अंदर में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जो तुष्टिकरण की राजनीति वहाँ पे आरंभ की है, प्रत्येक दिन वहाँ पे लोगों को दंड करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम गरीब किसान मजदूरों को धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, और इनकी साथी ममता बनर्जी जो शिक्षा को एक तरह से बर्बाद कर चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर में, माध्यमिक के एग्ज़ाम में प्रत्येक दिन पेपर लीक हो गए पश्चिम बंगाल में, ऐसी स्थिति है बंगाल के अंदर में, और बीजेपी और टीएमसी बंगाल के अंदर में बेसिकली ये लोग जातिवाद और कट्टर धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, हम जिस मांग को लेकर के पहुंचे हैं कि शिक्षा को जिस तरह से मतलब बाजारीकरण कर दिया जा रहा है, शिक्षा का कोई बेस नहीं है, स्टूडेंट लोगों को जो फंड मिलती है उसको कटौती की जा रही है, आरक्षण हटा दिया जा रहा है, ये तो तमाम इश्यूज़ हैं हमारे पोस्टर्स बैनर्स में जो लिखे हुए थे, इन सभी मांग को लेकर के हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले अभी देश की भावना की बात की, हम SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तमाम उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और इस देश की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने खून दिया था वो हमारे संगठन के, हमारे वामपंथी विचारधारा के लोग थे। ये जो आज संघी आज दूसरों को आज राष्ट्रवाद का पैजामा पहनाते हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे, इन्होंने अंग्रेजों की दलाली करी थी। आप बताइए एक भी ऐसा नाम जो जय श्री राम नारा लगाते हुए शहीद हुआ था इस देश की आज़ादी में। हम लोग इस देश की आज़ादी में से लेकर के इस देश को बनाने तक किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, तमाम लोगों के जो आंदोलन है उसको हमने नेतृत्व दिया था। किसका पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है? देखिए, पाँच साल पहले सरकार में काबिज होने से पहले श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में घूर के ये प्रचार करा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तमाम वो बातें कही थी लोगों के बीच में कि हम ये कर देंगे, काला धन ला देंगे, हम अच्छे दिन ला देंगे, हम राम मंदिर ला देंगे, हम महंगाई कम कर देंगे, हम लोग अकाउंट में 15 लाख ला देंगे। नहीं, ये आप बताओ, आप खुद बोलो, आपको लगता है कि 15 लाख अकाउंट में आ गए, राम मंदिर बन गया, बोला था 56 इंच का सीना है,
आज वो सीना कहाँ पे खड़ा है देख लो, हमारे वीर सब जवान लोग शहीद हो रहे हैं। कौन सा काम किया है? मैं एक ऐड करना चाहूँगी, ये जो टेररिस्ट हमला हुआ हम सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पर हम लोगों को सवाल गवर्नमेंट से भी करना चाहिए कि इसका जब इंटेलिजेंस इनपुट था फिर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी? हमारी गवर्नमेंट इतना पैसा लेके स्टैचू बना सकती है, जवानों की सिक्योरिटी ये लोग इंतजाम नहीं कर सकते? पैसा बर्बाद हो रहा है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उससे पहले बीजेपी के नेताओं ने जाके अपना काला धन सफेद कर लिया। जो आम जनता है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो कश्मीरी दोस्त हैं जो पढ़ने आए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, उनको खींच खींच के कमरे से निकाल के एवीवीपी के बंदे बोल रहे हैं तुम साले देशद्रोही हो, देश छोड़ो। ये कहाँ का इंसाफ है? आप किसी एक टेररिस्ट एक्ट के लिए सारी कश्मीरियों को आप पनिश नहीं कर सकते। आज आप लोगों का डिमांड के साथ साथ आप लोग एक मैसेज भी देना चाहते हैं। डेफिनेटली ये एक पॉलिटिकल मैसेज है कि हम हमारे जवानों के साथ है, पर ये जो लोग हैं जो यहाँ पे बार बार बोलते हैं हम लोगों को वार्ड चाहिए, आप जो यहाँ पे सोशल मीडिया में खड़े होकर चिल्ला रहे हो हमको वार्ड चाहिए, आप लड़ने जाओगे? नहीं। जितनी भी बहादुरी है इन लोगों की ये लोग सोशल मीडिया पे निकालते हैं, पर ये लोग कभी कदम उठा के बॉर्डर पे नहीं जाने वाले। हम लोगों को समझना होगा कि ये टैक्टिक्स है कि आप भड़काओ जनता को, काम नहीं है देश में, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, ना काम है ना पढ़ाई है। हम लोग इन सब को छोड़ के देश में बातें हो रही है राम मंदिर बनेगा कि नहीं, स्टैचू बनेगा कि नहीं, जब युवाओं की स्टूडेंट्स की ऐसी हालत है उस टाइम पे हम लोगों को नहीं लगता कि देश में किसी स्टैचू की जरूरत है। SFI की तरफ से जो स्टूडेंट है अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आए हुए, उनका भी कहना यही है कि इनकी डिमांड के साथ साथ देश के लिए मैसेज भी यही है कि जो हो रहा है देश में उसको देखे, आंखें खोले और कान भी सुनने के लिए तैयार रहे कि क्या देश में चल रहा है और देश में शांति बने रहे। नया मुद्दे के साथ हम फिर से एक बार हाजिर होंगे, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।